हे स्टूडेंट्स, आपके सामने आज हम कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल, मतलब आप उसमें चाहे मैथ समझे चाहे न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन में जो आपको यूनिट चेंज करने के लिए आता है, कभी कभी यूनिट ये आपको फंसा देती है और आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आपको ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये यूनिट कैसे वर्क करती है। यहाँ पर हम बताने वाले हैं इंच, फुट और गज को, मतलब इंच, फुट और गज ही क्यों लिए हैं ये समझिए, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं और आपके माप में बहुत ही काम आता है। और कभी भी इसको हम जो हमारे देहाती में और हमारे यहाँ गांव वाले जो लोग हैं उनमें ये बहुत यूज होता है और बहुत ही कंफ्यूजन बन जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आज हम उनको बताने वाले कंप्लीटली सारी चीजें बताएंगे। जो चीजें यहाँ पर हम बताएंगे वो एकदम ध्यान से देखना और समझना कि आखिर क्या क्या चीजें हम कहने वाले हैं, ठीक है। पहला नंबर तो हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको समझना है कि इंच और फुट और ये कौन से छोटे और बड़े यूनिट हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। इसके उसके बाद ही हम सारी चीजें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है, हमें समझना है कि इंच, फुट और गज, देखिए ये जो होता है, ये जो है सबसे बड़ा, इसको हम देखना चाहें तो ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ठीक। मतलब अगर हम इनको समझना चाहें तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपका ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब बड़ा समझ, मतलब इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा ना वो हमारा गज बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? गज बड़ा होगा। तो गज हमारा जो है बड़ा होगा और उसी गज को हम फुट में कन्वर्ट करेंगे, फुट को इंच में कन्वर्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे तीसरे को इसी में हम कन्वर्ट करना सीख लेंगे। सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का भी कन्वर्जन हम बता देंगे। इसी तरीके जितने भी कन्वर्जन हम बनाए हैं वीडियो, पर्सनल मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक देंगे और पीडीएफ वाले वीडियोज देखेंगे जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और जीटी टाइप और उसमें क्वेश्चन, तो वो भी वीडियो आपको जरूर समझना चाहिए। अगर नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बहुत सारी लिंक है, प्लीज उसको देखिए। और यहाँ पर बोर्ड पर भी हम बताना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अभी तक बहुत ठंड थी इसलिए परेशान थे, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत वीडियो बोर्ड पर भी मिलेगी आपको। आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज, और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जरूर कमेंट करिए। जैसे कभी कभी क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोल दिया गया कि आपका 5 फुट, 5 फुट में कितने इंच होते हैं, में कितने इंच, सॉरी इंच लिख दिए, कितने इंच होंगे या होते हैं, ठीक है। ये पूछ क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 5 फुट में कितने इंच होंगे, तो 5 फुट में कितने इंच होंगे इसको आप तभी बता पाएंगे जब आप कोई भी चीज आप तभी बता पाएंगे जब आप एक कमान जानेंगे। जब आप एक कमान जानेंगे तभी आप बना सकते हैं। यानी आपको पूछा जाए 5 किलो केले का मूल्य बताइए, तो आप 5 किलो केले का मूल्य तभी बता पाएंगे जब आपको 1 किलो केले का मूल्य पता होगा। जब कभी आपको पूछा जाए कि 100 ग्राम केले का मान बताइए, तो आप तभी बता पाएंगे जब आपका 1 ग्राम का मूल्य पता होगा। तो इस तरीके से यूनिट में कभी आपको बड़ी यूनिट में, मतलब बड़े डिजिट में निकालना है संख्याओं को, तो आप 1 को जानिए, 10 को जानिए, 100 को जानिए, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि 1 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 1000 आएगा, अगर इन सब यूनिट में पकड़े बस उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें सब इससे पहले समझना है कि हमारा जो होता है 1 फुट, क्या 1 फुट में हमारा 12 इंच होता है, क्या होता है 12 इंच होता है, ठीक है। ये हमारा एक समानता 12 इंच होगा, ठीक है। तो 12 इंच हम मान के इसमें चलते हैं हमेशा, जो हमेशा कभी भी यूनिट जो होते हैं फिक्स मान जल्दी नहीं होते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत दशमलव होता है, उससे मतलब नहीं, हमें 12 इंच मानना है। तो 1 फुट में हमें 12 इंच होता है, तब हम दिमाग लगाएंगे कि 5 फुट, जब 1 फुट में 12 इंच है तो 5 फुट में क्या करेंगे, हमको इसी में केवल वे केवल कर देना है, 5 गुणा 12 कर देना है। क्या कर देना है? 5 गुणा 12, और 12 × 5 = 60 इंच, कितना हो जाएगा हमारा 60 इंच हो जाएगा। बात समझ में आई? 60 इंच हमें प्राप्त हो जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से अगर कोई बोल देता है कि यहाँ पर आपका 1.5 फुट में कितना, 1.5 फुट, तो अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1.5 कैसे लिखा जाएगा, 1.5 फुट हमारा ये होगा, 1.5 फुट में, 1.5 फुट में कितना होगा ये हमारा निकालना हो। तो 1.5 फुट कैसे, 1.5 हम कब बोलते हैं, आप इसको 1.5, 1/2, 1/2, 1/2, ये सब पर वीडियो हम बनाए हैं। हमारी वीडियो अगर नहीं आपको समझ तो यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको बेसिक मैथ्स टू एडवांस 0 to 0, उसको देखिएगा, पता चल जाएगा कि आपको ये समझ जाएंगे कि आखिर ये जो लिखा है 1.5, 1/2, 1/3, 2/3, सभी को हमने डिटेल समझा। बेसिक कैसी कोई वीडियो मैंने नहीं छोड़ा है जो आप कहीं पर ढूंढे न मिले, पर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक ये है, 0.5 है,
दशमलव पांच का मतलब 50 है, 50 का मतलब 500 भी है, जो भी हम समझे उसके बाद जीरो कितना भी ऐड कर लें उसको हम कुछ भी समझ रहे, लेकिन हमारा पूर्ण रूप से एक है। तो हमें कब बोला जाता है डेढ़, डेढ़ कब बोला जाता है, जब कभी भी कोई चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी एनी मतलब कुछ भी हो, हम एक पूरा हो जाए, वो एक पूरा हो जाए उसके बाद आधा हो, उतने का आधा, एक का आधा हो तो उसको डेढ़ बोलते हैं। एक पूरा हो जाए और उसी एक का एक और आधा आ जाए, उसमें जुड़ जाए, तो आपका हो जाएगा डेढ़। मतलब आपका ये वन मार्कर है, एक मार्कर है, और यही आधा मार्कर इसके बगल और ऐड कर दिया जाए, सेम इस तरीके से सोचिए, ये आधा मार्कर और ऐड कर दिया गया तो हमारा डेढ़ मार्कर हो गया। बात समझ में आई? डेढ़ मार्कर इसी को बोलते हैं, यानी जिसको 1.5 बोलते हैं। आधा को आप क्या बोलते हैं? 1.5 भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो उसको हम इस तरीके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 फुट का मतलब हुआ 1.5 फुट में, हमें 1.5 फुट में कितना इंच होगा इसको समझना है। 1.5 फुट में कितना इंच होगा मतलब अगर हम समझें तो 1.5 फुट हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5 × 12 करेंगे, कितना करेंगे 12। अब 1.5 में हमें 12 का गुणा करना, अब गुणा नहीं आता है किसी को तो दिक्कत होगी, हमें पता है दिक्कत होगी। आप इसको मुंह जवानी भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको बिना गुणा करे, यानी आप बिना कहीं पर मल्टीप्लाई करे भी कर सकते हैं। दो रूल हम बताइए, एक गुणा करके बताएंगे, दूसरा आपका। तो आपको क्या करना है, 1.5 में आपको 12 का गुणा कर देना है। अब एकदम बेसिक जो गुणा होता है, हमें ये जिसको गुणा नहीं आता उसको समझ के समझा रहे हैं, बाकी आप अगर तेज हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दीजिएगा, इसके आगे देख, लेकिन यहाँ पर बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ। 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1, 0 × 5 = 3 = 8 और 1 दशमलव लगेगा 2 अंक, 1 अंक पर 18 आया, कितना है 18। तो हमारा इसका गुणा करने पर आ गया कुल मिलाकर के 18, कितना आ गया 18, ठीक है। तो 18 इंच आ गया, कितना आ गया 18 इंच आ गया। तो इसमें 1.5 फुट में हमारा कुल 18 इंच होगा, 18 इंच होगा, खुद समझिए, होगा नहीं, आराम से यार बहुत तरीके लगा सकते हैं। जब 1 फुट में 12 इंच, तो 1.5 फुट में 1.5 किसको बोले, एक और आधा, तो अब बताइए 12 का आधा क्या होगा। अच्छा तो वो आपका 12 वो हुआ था, 6 ऐड करेंगे 12 × 6 = 18 हो जाएगा। दूसरी तरीके से इस तरह पहाड़ अगर हमें इस तरीके नहीं पड़े, इस तरीके, एक पूरा है और ये 5 है, मतलब 5 क्या है इसका आधा है, एक का आधा 5 होता है, एक का आधा मतलब 10 का आधा 5 होता है, तो एक मतलब 10 मानेंगे तो 10। यहाँ पर ये देखिए एक है, एक अगर 12 पढ़े तो 12 × 1 = 12 ये हो गया, और यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे जो यहाँ पर है आपका 12 ये हो गया, और 12 × 5 = 60 पढ़ेंगे तो 60 वाला हमारा 6 कैरी इसमें आ जाएगा, तो 12 × 6 = 18 हो जाएगा और 1 दशमलव। मतलब किसी तरीके से आप समझिए, गुणा आप कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हम कर रहे थे कि फुट से हम इसमें, और बड़ा हम ले लेते हैं, जैसे देखिए यहां पर आ जाता है, इस तरीके से यहां पर आ गया कि इतने फुट में कितने इंच होंगे ये निकालना है, 12.5 फुट में कितने इंच होंगे, 12.5 फुट में। हम 5 ही क्यों ले रहे हैं, आगे पीछे भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है तो हम वो ऐसे ले लिए, आप कुछ भी संख्या लीजिए, बस गुणा करना होगा। मतलब हमें इसमें क्या कर देना है, 12 से गुणा कर देना है, 12.5 में 12 से गुणा कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी कैसे, देखिए 12 × 5 = 60 के 0, 12 × 2 = 24, 24 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 30, और 12 × 1 = 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, 0.1 अंक पड़ेगा, 150 आ गया। ये 10 के बाद जो 0 आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, चाहे लिखे या ना लिखे, हमारा 10 पहले की संख्या देखेंगे, 150 आ रहा है। अब 150 इसको क्यों बोल दिए, क्योंकि 100, 100 के बाद 50, तो 150 नहीं हुआ, 100 का आधा 50 हुआ। जब कभी भी किसी संख्या के बाद हमारा आधा आ रहा है तो उसको हम 150 बोलेंगे, उसी तरह इसको हम 150 भी बोल सकते हैं, या इसको हम 150 भी बोल सकते हैं, या इसको 150 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, बोलने का देखिए हम सारी चीजें बता रहे हैं आपको। अब इसके बाद हम इसमें इंच से फुट में कन्वर्ट करेंगे, इंच से हम फुट में कन्वर्ट करेंगे, देखिए। और ये तरीका हम वहां पर समझा देते हैं, इससे पहले बताने से पहले हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं। कभी भी रूल यही कहता है कि बड़े से बड़े यूनिट से बड़े यूनिट से बड़े यूनिट से छोटे में जाएं, किसमें, छोटे में, ठीक है, बड़े से छोटे में, यहाँ हम करते हैं बड़े में और छोटे में, ठीक है, बड़े और छोटे में। जब हमारा ध्यान दीजिएगा, जब बड़े से हम छोटे में जाएंगे, कभी भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, गुणा होगा, क्या होगा हमारा, गुणा होगा। जब हमारा यहाँ पर छोटे से बड़े यूनिट में आए,
तब हमारा होगा भाग, क्या होगा भाग होगा। याद रखना गुणा और भाग किसका होगा, जितने आपस में रिलेशन वो रखते हैं, जितनी की वो गैपिंग करते हैं, जितनी को मान एक दूसरे के होते हैं। जैसे हाँ हमने बताया कि फुट में 12 इंच होते हैं, मतलब फुट और इंच का जो रिलेशन है वो 12 का है। फुट और इंच का जो रिलेशन है यहाँ पर हमारा ये फुट, और देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर फुट और इंच का, फुट और इंच का जो रिलेशन होता है वो हमारा रिलेशन होता है कितने का, यहाँ हम 12 लिख देते हैं, कितने 12 का होता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं गज और फुट का, गज और फुट का रिलेशन, गज और फुट का रिलेशन ये कितने का होता है, तो हमारा 3 का होता है, कितने का होता है 3। अब रिलेशन भी आपको पता हो गया, बस गुणा भाग करना है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 250 इंच, 250 इंच में कितने फुट होते हैं, 250 इंच में कितने फुट होते हैं। तो 250 फुट में हमें इंच में कितने फुट होंगे, तो इसके लगाने के लिए हमें क्या करने पर, हम पहले समझेंगे इंच से फुट में जा रहे हैं, इंच से फुट में जा रहे हैं मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, और छोटे से बड़े में जब जाए तो भाग करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले जितने को करना है उसको लिखिए संख्या को, आपको भाग करना है, भाग का मतलब समझते हैं, ये इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। तो कितने भाग करना पड़ेगा, जितने से रिलेशन रखते हैं इंच और फुट में रिलेशन कितने को, तो 12 का, तो हम इसमें 12 से भाग करेंगे। मतलब हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, 250 बटा 12 इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इस तरीके से 250 भागे 12 यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो 12 दूना 24 और 0 लगा, यहाँ पर आपका एक 10 आया, फिर यहाँ पर 10 हम लोग लगाए तो हमारा बना 100। तो इसी तरीके से 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 9 100 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 98 जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, कई 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा ये आ गया, अभी इसको काटेंगे तो और भी कटेगा, यहाँ पर हम 10 हम लगाए हैं 40 बनेगा, तो 12 3 36 इस तरीके से इतना आ जाएगा। तो हम इसको भाग करने पर हमारा है 2 3 4, यहाँ पर 3 आया है, इसके बाद हम यहाँ पर 36 आएगा, फिर से 4 बनेगा, फिर यहाँ 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा अगर, तो हमारा यहाँ पर 1 3 भी ले रहे हैं। एक चीज हम और मान के यहाँ पर चलते हैं कभी कभी, जैसे कि हमारा यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक संख्या बीच में होती है, ये बीच में 5 होता है, देख लीजिएगा 5 होगा, क्योंकि विषम संख्याओं का या 9 संख्याओं के बीच में 5 होता है। यहाँ पर हम इसके अगर अंदर अंदर रहेंगे, इसके अंदर अंदर रहेंगे, तो अगर हम इसके अंदर हैं तो हम इसको जितना इसके करीब है, 5 के बीच में हमारा 3 होगा, ठीक है, और इसके बीच में हमारा 7 होगा। अगर हम 3 से कम हैं, जैसे हम देखिए 3 से अगर हम कम हैं, तो हम ना के बराबर मान के चलते हैं कि हमारा वो क्या है, 1.5 भी नहीं है, इसको हम 1.5 मान के चल रहे हैं, 1.5 क्या आधा, इसको हम मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, आधा और मान के चल रहे हैं, ठीक है, आधा मतलब 1.5 मान के चल रहे हैं, सॉरी यार 1.5 क्या, कोई जरूरी है 1.5 रहेगा हमेशा, तो इसको हम आधा मानते हैं। अगर यहाँ पर 3 से कम है तो उसको हम आधा नहीं मान के चल रहे हैं, लेकिन 3 से ज्यादा है, 5 के अंदर में है, 5 तक है, तो उसको हम आधा मान के चल रहे हैं। अगर 5 से थोड़ा ज्यादा है तो इसका मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा है, और 7 से उधर पार हो रहा है, 9 के करीब पहुंच रहा है, इसका मतलब एक और पूरा होने वाला है, तो ये यूनिट समझ लेना। जैसे यहाँ पर देखिए ये 8 है, यहाँ पर देखिए ये 8 है, हम इसको 9 के करीब पहुंचने वाला है, इसके बाद 10 होगा तो अगली संख्या बन जाएगी, मतलब इसको हम मान के चलते हैं तो 3 के करीब है, किसके 3 के करीब है, 3 के करीब पर, मतलब ये 8 है जो, इसको हम एक कैरी बढ़ा के इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए ये जब 83 84 इसी तरीके से होता जाएगा, 90 100 होगा, 100 होगा तो एक कैरी बढ़ जाएगा 3, अभी ये 2.83 है, तो यहाँ पर ये 8 है, मैंने बोला 8 है तो इसको 10 मान के चलते हैं, तो ये 8 का कैरी इसमें जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी हम मोटा मोटी समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है ना, ये हमारा जो है 3 फुट है, कितना फुट है 3 फुट के करीब, बट इसको 3 फुट हम नहीं मानेंगे, जो एग्जैक्टली मानना है तो हमें इसे 2 फुट, ये हमारा जो आगे दशमलव जो पहले पहले लिखा है ये हमारा 2 फुट हुआ, ध्यान दीजिएगा ये 2 फुट हुआ। अब जो ये बच रहा है 0.83, 0.83 यहाँ पर जब संख्या को निकाल देंगे तो 0 बचेगा, अब इसमें हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 12 से भाग करना पड़ेगा, 12 से क्या, अब इसको ये हमारा इंच है, इसको हम चाहे तो इंच में बोल सकते हैं, ये इसके बाद जो बचा हुआ है ये इंच है, समझ लीजिए ये हमारा क्या है, इंच ही है, दिमाग नहीं लग खराब है। इसके बाद ये 2 फुट, ये 83 इंच मान, क्योंकि दशमलव के पहले पूरा हो गया है तो उसको हम फुट मान ले रहे हैं, और जो दशमलव के बाद अभी बचा हुआ है उसको हम इंच मान रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 फुट हम समझे,
तो इस तरीके से ये 12 जो है, यहाँ पर जो है ये इंच के रूप में है, बट ये पूरा इंच में नहीं। अभी आप बोलिए ये 83 है, 83 इंच हो जाएगा, तो अब दिमाग लगाइए, 12 इंच में तो 1 फुट हो जाता है, तो 83 इंच हो जाएगा तो कितना फुट होगा। ये मतलब ये 83 नहीं है, ये 83 जो है इसमें भी हमें 12 का डिवाइड फिर से करेंगे ना, तो कुछ दूसरा ही आएगा, उतना निकलेगा ये, लेकिन हम इंच में इसको पढ़ेंगे क्योंकि उससे छोटी जो यूनिट है फुट से, वो हमारा इंच होगी। मतलब यहाँ पर हम इसको हम 0.2 इतना इंच लिख सकते हैं, ठीक है, इतना इंच लिख सकते हैं। मतलब ये अभी एक एक जो आपका 1 इंच होता है उससे भी छोटा है, 1 इंच जो होता है उससे भी छोटा है, क्योंकि अगर ये हमारा पूरा पूरा हो जाएगा तो हमारा ये 1 इंच बनेगा, कितना बनेगा 1 इंच, जब ये 100 पूरा होगा तो 1 इंच बनेगा, तो वो एडिशन होगा। तो हमारी तरीके से इस तरीके से पूरा इसको समझिए जाएगा, ये 0.83 इंच है, यानी कुल मिलाकर इसमें अभी 17 इंच और ऐड हो जाए तो ये पूरा ऐड हो जाएगा इसमें, तो बन जाएगा 3 फुट। कितना फुट बन जाएगा 3 फुट। तो इसको आप समझिए थोड़ा थोड़ा कि 2 फुट 83 इंच इस तरीके से। अब हमने इसको इंच में कन्वर्ट करना सिखाया, अब गज वाली चर्चा कर देते हैं। अब रही बात जिसको यहाँ पर अभी दिक्कत हो रही हो, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 को और इसमें, जैसे देखिए इसमें हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर जो ये फुट है इसको हम गज सॉरी लिख देते हैं, क्या इंच लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इंच, इंच में कितने फुट होते हैं इसको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हम कितने फुट होंगे इसको लिखना है। इसके करने के लिए हमें इसमें भाग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाग, तो यहाँ पर भाग 12 लिखेंगे और इसको हम 12 से भाग दे देंगे, 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, चलिए 12 से भाग दे देते हैं। देखिए ये है 12.5 भागे 12, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको 12 से हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम क्या 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि 12 1 के 12 आ जाएगा, घटाने पर कितना आ जाएगा, घटाने पर आपका जैसे कि यहाँ पर 0 हो ही जाएगा क्योंकि खत्म हो गया, 12 में से 12 आपका घट जाएगा, तो आपका वही होगा ही, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आप क्या करना है, इधर घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, उधर हमारा बचेगा 5, वही बच रहा है तो हम उसको 5 लगा देते हैं, ये 5 लगा दिया। अब 5 में नहीं जाएगा, एक बात दिमाग में लगाइए कि हमारा जो 5 में है टेबल नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके पहले दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 बढ़ेगा, लेकिन यार दिमाग लगे ये दशमलव लगाने वाला दशमलव थोड़ी है, ये हमारा दशमलव जो क्रॉस किए हुआ वाला दशमलव है, दशमलव क्रॉस करने के लिए लगा है ये, दशमलव जब क्रॉस कर रहे हो तो अपने आप से ही दशमलव आया था, मैंने लाया नहीं, अगर मैंने दशमलव लाया होता तो 0 के लिए लाता। दिमाग लगे भाग में आपको करना सीखिए, अगर आप भाग कर रहे हैं और आपका कट नहीं रहा है तो आप दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो दशमलव पहले से लगा है, इसको मैंने नहीं लेके आया, ये खुद दशमलव आया था, इसलिए इसका 0 का मैं मतलब इससे नहीं रख रहा हूँ, ये दशमलव मैंने यहाँ वाला रख दिया, अभी इसमें 0 चाहिए, और जब 0 चाहिए तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, इस तरीके से 50 हो जाएगा। अब इसमें पहाड़ अगर पढ़ेंगे तो 12 चौक 48 इतना आ जाएगा, 48 यहाँ पर घटाने पर 2 इस तरीके, तो 1.04 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1.04 फुट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना फुट हो जाएगा, ठीक है, इसमें इतना फुट, इसमें इतना फुट, इसमें इतना इंच, इसमें इतना इंच, ठीक है। तो आप इन सभी बातों को आराम से समझिए, बारीकी से समझिए, जिसको दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और अच्छा लगा हो ना तो जरूर आप अच्छा से लाइक शेयर कमेंट, आप पे बनता है कि देहाती में आप देहात में इन सब का यूज करेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा आपके जनरल लाइफ में। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ पर गज का रिलेशन बताते हैं और आपको बात समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पर गज की चर्चा करते हैं, तो सारी चीजें हो गई हैं। अब बोला जाए कि 9 गज में फुट, 9 गज में फुट, 9 गज में फुट होते हैं, कितने फुट होते हैं ये बताना कि 9 गज है आपका उसमें कितने फुट होंगे। तो आप दिमाग लगाइए कि ये क्या है, पहले हम समझेंगे कि गज से फुट में जा रहे हैं, और जब हम गज से फुट में जाएंगे तो यहाँ पर हम छोटा बड़ा यूनिट लिखे ना, गज बड़ा है फुट छोटा है, तो हम इसका मतलब जा रहे हैं बड़े से छोटे में जा रहे हैं, और जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो गुणा करेंगे, और गुणा किसका करेंगे जिसने का उसका रिलेशन है, तो फुट और गज का रिलेशन 3 से रखता है, तो इसका मतलब 3 से गुणा करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो 9 गुणा 3 लिखेंगे, इस तरीके से 27 फुट हो जाएगा, 27 फुट हो जाएगा। बात समझ में आई, समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर, अगर देखते हैं कि यदि आपके पास यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है आपका
कितना 18 गज है, कितना है आपका 18 गज है, 18 गज में फुट बताना है, 18 गज में फुट कितना होगा ये बताना है। तो 18 गज में कितना फुट है, सेम वही कि हमें बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 18 का 18 लिखिए और इसमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा गज है तो फुट में जाना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इस तरीके से 18 तो गुणा कर लीजिए या आप 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपको गुणा नहीं आता है, पहाड़ा भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी 18 को 3 बार कर दीजिए, 18 को 3 बार, 3 18 प्लस 18 प्लस 18 कर दीजिए, तब भी कर सकते हैं। नहीं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 18 तरीके 54 कर सकते हैं, इतना फुट, ठीक है, ये हो गया। अब हम फुट जो है ना, फुट को हम गज में कन्वर्ट करते हैं। फुट को जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि आपका 120 फुट, 120 फुट में गज, क्या 120 फुट में गज, 120 फुट में गज बताना है, 120 फुट में गज में, फुट से गज में जा रहे हैं हम, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में आएंगे तो भाग होगा, और भाग किसने का होगा, जिसने रिलेशन है, मतलब हम 120 में भागे करेंगे 3 से, तो हमारा कितना जाएगा, 3 से 12 पढ़िए, 3 चौके 12 के 4, 3 शून्य 0 हो गए, मतलब 40 फुट, 40 गज आ गया, कितना गज आ गया, 40 गज आ गया, ठीक है, जिस तरीके से करना, मतलब आपको यहाँ पर यार A to Z कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हमारे चैनल पर एकदम बेसिक चीजें मिलेंगी, सारी चीजें एकदम इफेक्टिव रहेंगी और अच्छे से रहेंगी। देखिए बहुत ही प्रोफेशनली ज्ञान नहीं देते हैं तो, बट यहाँ पर बेसिक ज्ञान तो आपको देखिए, प्रोफेशनली ज्ञान या आपका जो लेवल हाई ज्ञान जो होगा तो बहुत चैनल वाले देते हैं। बेसिक नहीं पता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई सारी चीजें, और आप पढ़ते हुए भी आप अपने जनरल लाइफ में, अपने जो आपका डेली लाइफ है, जो यहाँ पर जो आप कोई भी मिल जाता है ना तो आपको पूछ लेता है तो आप फंस जाते हैं और अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। ये बेइज्जती मैं महसूस नहीं करने दूंगा, आप बेइज्जती महसूस करेंगे नहीं और वो छोटी छोटी बातें बताएंगे। इंग्लिश में हमारी क्लास देखिएगा, इंग्लिश में एकदम बेसिक चीजें बताएं, शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ना था उसको भी पढ़ेंगे, आपकी बेइज्जती आपसे खत्म हो जाएगी। ओके चलिए यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हम धीरे धीरे बता रहे थे, तो अब हम बताते हैं आपके लिए कुछ नोट्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट इनमें से पूछ लिया जाए कि बताइए इतने गज में इंच कितने होते हैं, अब बात फंसेगी, अब बात फंसेगी आपको कि आप बताइए कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए हम पहले कैसे, 2 3 तरीके जाएंगे, मतलब कह दिया गया कि आपका यहाँ पर 4 गज, कितना 4 गज में इंच बताइए, क्या बताइए, इंच, इंच की संख्या बताना है, 4 गज में इंच की संख्या। अच्छा हम गज से इंच में जा रहे हैं तो वही हुआ कि पूरा यहां से हम क्रॉस करके जा रहे हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि हम गज, गज से हम पहले अपने दिमाग बैठते हैं, गज से जाएंगे तो पहले फुट में जाएंगे, गज से फुट में जाने के लिए हमें क्या गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। पहले इसके रिलेशन को देखिए, हमें क्या समझ में आ रहा है, हम भैया फुट से इंच पर जानते हैं, बट यहाँ पर यार हम गज से इंच को नहीं जानते हैं, गज से इंच पे नहीं जाते हैं। अच्छा यार दिक्कत क्या है, आप फुट से इंच पे जाते हो ना तो आप पहले गज से फुट पे पहुंच जाओ ना, यानी कि आपको पता है कि भैया हम वहां तक चढ़ पाते हैं उसके ऊपर नहीं चढ़ पाते, पहले यार आप वहां तक चढ़ो तो उसके बाद फिर वहां से अंदाजो कि चढ़ो, तभी तो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट वहां चढ़ जाओ, ये तो गलती है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको दिमाग बैठाना है कि हम, चलिए पहले हम फुट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 का 4 में, जब मैंने 4 गज में मैंने 3 का गुणा किया तो फुट में हो गया, ये फुट में हो गया। अब क्या करना है, जब बच्चा फुट में हो गया तो अब इंच में बदलना है, और जब इंच में बदलना होगा तो हमें क्या काम करना है, सीधा इंच वाले से गुणा करिए, इंच वाले का गुणा कितना होता है, मतलब फुट से इंच में करने के लिए 12 का गुणा होगा, तो यहाँ पर 12 का गुणा कर दीजिए, और अब सब का गुणा कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आपका आ जाएगा 4 गज में इतने इंच हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 बराबर 144 हो जाएगा, कुल मिलाकर इतना इंच हो जाएगा, इतना इंच, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे समझाने का तरीका कुछ अलग ही है। तो इन चीजों को समझिएगा, होमवर्क के रूप में आपको दे देते हैं, आप किसी से ट्राई करिए, पूछिए और अपना आजमाइए। यहाँ पर मैं देता हूं 120 फुट को गज में, ठीक है, और यहां पर आपका 450 इंच को फुट में,
तो सवाल है कमेंट बॉक्स में दे देना, और लाइक शेयर हो सके तो कर देना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जो भी हम यहाँ पर बताए हैं आपको, देखिए चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको हम यहाँ पर बेसिक चीजें, जो आपका खेतों का क्षेत्रफल मापने के लिए होता है, किस टाइप का खेत आप नाप सकते हैं, इन सब चीजें के हम वीडियो बनाए भी हैं, एक बार देखेंगे। बाकी बहुत सारी तरह के वीडियो हैं, और जो आपका एग्जाम आ भी गया है, एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, आप ऑब्जेक्टिव टाइप या आपको एकदम रेडीमेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो देखिए सपोर्ट कोई नहीं करता तो बनाने का मन नहीं करता है। हमने एक यहाँ पर अपना पोल डाला है कि यहाँ पर हमारे चैनल पर किस कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, हमने देखा वहाँ पर 12th क्लास के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हैं, और अदर हमने उसमें ऑप्शन डाला था कि अदर किस क्लास के हैं, मतलब अदर कहें या तो ना तो 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में, इन सब में नहीं, अदर एक ऑप्शन डाला था, तो अदर पर भी हमारे वोट पड़े हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा वोट जो है हमारा 12th पे पड़ा हुआ है, और उसके बाद उससे कम वोट जो है हमारा अदर पे पड़ा हुआ है। मतलब हम ये अदर को समझ कर मैंने ये वीडियो लाया, और 12th वाले के लिए भी लेगा, साथ ही साथ सारे क्लास वाले के लिए। तो कैसा लगे वीडियो, प्लीज यार अपना सपोर्ट दीजिएगा, और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा सर ये प्रॉब्लम है हमें। ओके चलते हैं, मिलते हैं, और मेरे सेकंड चैनल को भी देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहां पर फेसबुक का पेज है, ये सारी वीडियो जो वहाँ फेसबुक पर भी पड़ती है, फेसबुक पेज भी आप फॉलो करो यार, सबको यार फॉलो कर दो, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो प्लीज फॉलो ना किया तो समझ लीजिए गलती की आपने, गलती नहीं किया यार, सपोर्ट करो। ओके चलिए।